ये देखिए सार वचन राधा स्वामी वार्तिक अधूर स्वामी जी महाराज राधा स्वामी व्यास से छपी है, वो आगरा वाली पढ़ी आपने। इसके प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास डेरा बाबा जयमल सिंह, प्रिंटेड बाय प्रिंटेड इन इंडिया लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली से। भूमिका में इन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है, सार वचन राधा स्वामी वार्तिक अजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का, शिवदयाल जी के वचनों का संग्रह है, और ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया सन 1902 में। अपने आत्माओं 109 वर्ष हो गए इनको, इस अड़ंगे ने पढ़ते ने रास्ते समझ में नहीं आई बोल के गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सार वचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया 1902 में। उसके बाद ये हिंदी में प्रस्तुत हुई, प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त सन 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफ़ी संगत की थी, शिवदयाल जी भी इनके साथ काफ़ी विचार सुनते रहे इनके। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू कर दिया। 18 साल में ये उपदेश करते रहे, 18 वर्ष के बाद इनकी 17 वर्ष के बाद मृत्यु होगी। सन 1878 में इनकी मृत्यु होगी थी। बाबा जयमल सिंह जी का जन्म सन 1839 ग्राम दुगुमान जिला गुरदासपुर में हुआ। और यहाँ देखिएगा 18 अगस्त 1989 में पेंशन प्राप्त करके रिटायर हुए। 32 वर्ष नौकरी कर इन्होंने सन 1856 में जयमल सिंह जी को नामदान प्राप्त हुआ सन 1856 में, और सन 1878 में शिवदयाल जी की मृत्यु होगी और सन 1889 में 11 वर्ष बाद पेंशन प्राप्त करके रिटायर हुए, ब्यास नदी के किनारे आकर रहने लगे। वहाँ इन्होंने अपना डेरा ब्यास शुरू कर दिया। 11 वर्ष बाद मनमुखी अपने आप, 32 वर्ष सर्विस करते रहे नौकरी में, 1878 में उनकी मृत्यु होगी। 1889 में इसने कौन आदेश दिया था, आदेश मिला होता तुरंत करता ही इस कार्य को, इन्हें मनमुखी किया। वैसे तो ये खुद भी कोई विशेष महत्व नहीं रखते क्योंकि ये खुद नुगरे थे और इनका ज्ञान आपके समक्ष